नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक भंडारी और आज मैं आपको लेके आया हूँ दिखाने कि ऑर्गेनिक या फिर जैविक गुड़ कैसे बनता है। तो नॉर्मल गुड़ और जैविक गुड़ में बहुत सारे अंतर हैं। सबसे पहला अंतर तो यह है, जो जैविक गुड़ बनाने के लिए गन्ना इस्तेमाल होता है उसको उगाने के लिए कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल नहीं होता। तो गन्ने का जो रस निकलता है, अगर आपने उसमें रसायन यूज़ किया है तो सारा का सारा जो वो कीटनाशक होता है और भी जो केमिकल होते हैं वो गन्ने के जूस में सारे के सारे आ जाते हैं, और फिर जब आपका गुड़ बनता है तो वो सारे के सारे आपके गुड़ में भी आ जाते हैं। तो हम जहाँ पे हैं वहाँ पे जैविक तरीके से गुड़ बनाया जाता है। इसमें जो आप देख रहे हैं, जो गन्ने का यहाँ पे जूस निकल रहा है, ये गन्ना 100% जैविक तरीके से उगाया गया है और जो ये गुड़ बनाते हैं उनका खुद ही उगाया गया है। वो बाहर से भी गन्ना नहीं खरीदते, क्योंकि आजकल आप भरोसा नहीं कर सकते कि लोग बोलते तो हैं कि जैविक तरीके से उगाया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जैविक। तो इस कंटेनर में गन्ने का रस आता है, यहाँ से ये पहले चैम्बर में जाता है जिसमें आपको उसका रंग काफ़ी इस टाइम काला दिख रहा है, वो गन्ने के बाहर पे जो काला काला से लगा होता है और भी जो गंदगी होती है वो सारी की सारी इसमें आती है। तो जैविक गुड़ बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पे दूसरा सबसे मेन अंतर जो है वो ये है कि जो नॉर्मल गुड़ है उसको साफ़ करने के लिए, इस जैसे आप देख रहे हैं ये जो काला काला सा हो रखा है इसको साफ़ करना पड़ता है, और इसकी साफ़ करने की प्रक्रिया में कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं उसका इस्तेमाल होता है, जो गुड़ का इस काले रंग को साफ़ करता है और गुड़ का सफ़ेद रंग होता है। कॉस्टिक सोडा वही चीज़ है जो हमारी साबुन में, साबुन मतलब डिटर्जेंट, जो हमारा कपड़े धोने का साबुन या फिर कपड़े धोने का जो डिटर्जेंट होता है उसमें इस्तेमाल होता है। तो आप खुद ही सोचिए, जब कॉस्टिक सोडा जैसी चीज़ जो कि कपड़े धोने के लिए बनी है वो आप खा रहे हैं तो आपका अंदर जाके किस तरह का असर करेगा। यही वजह है कि बहुत से लोगों को गुड़ खाने के बाद मोशन हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, या फिर बहुत से लोगों के दाने निकल आते हैं और भी कई तरह की समस्याएं। तो ये बहुत ही बड़ा नुकसान है कॉस्टिक सोडा का। जो चीज़ कपड़े धोने के लिए बनी हुई है उसे आप ना ही खाएं तो अच्छा है। तो जैविक गुड़ में क्या यूज़ होता है? जैविक गुड़ को साफ़ करने के लिए एक जंगली भिंडी होती है जो कि आप इस ड्रम में देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और यहीं पीछे पे ये जंगली भिंडी का पेड़ लगा भी है, ये देखिए, ये छोटे छोटे से भिंडी जैसा है, ये जंगली भिंडी है, इसके बीज होते हैं। इस पौधे को लिया जाता है और मसला जाता है और पानी में भिगा दिया जाता है, फिर ये जो भिंडी का जैसा लिसलिसा सा पानी होता है वैसा पानी इसका बनता है, और इस पानी को गुड़ साफ़ करने के लिए हम इन डेगचियों में डालते हैं। फिर जब वो गुड़ साफ़ हो जाता है उसके बाद वो देखिए बॉइल्ड फॉर्म में लगभग ऐसा होता है। ये हमारा आखिरी चैम्बर है और इस चैम्बर के बाद हमारा जो गुड़ है वो इस बड़े से बर्तन में आता है जिसमें हम इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद गुड़ को या जो शक्कर है जो कि गुड़ का पाउडर होता है उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक गुड़ बनाने की प्रक्रिया, और मेरा ये मानना है कि ऑर्गेनिक गुड़ थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक तो जो गन्ना मिलता है जो जैविक है वो महंगा होता है बिना केमिकल के उगाया हुआ, और फिर जो भी बनाने की प्रक्रिया है उसको वो 100% मैनुअल है, इसमें कोई भी मशीन वगैरह का और कोई भी रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो लेबर कॉस्टली आता है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक गुड़ जो होता है नॉर्मल गुड़ से महंगा बिकता है। देखिए, गुड़ जैसी जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो खाई नहीं जाती है, जैसे हम दाल या चावल रोज खाते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उसे खाया जाता है। गुड़ हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं या तो चाय में या किसी वैसे ही खाने के लिए। तो सवाल ये है कि अगर वो थोड़ा सा महंगा भी है जैविक गुड़, तो भी आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए उसको लेना चाहिए और खाना चाहिए। और अगर आप कुछ टाइम जैविक गुड़ को खाएंगे तो आपको फिर
अंतर मालूम पड़ जाएगा। पहली बार में ही खाने पे भी अंतर मालूम पड़ जाएगा, लेकिन कुछ समय तक खाते रहेंगे तो आपके शरीर में भी आपको अंतर दिखने लग जाएगा।